लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवीन भाई, बीजेपी के उत्तर भारतीय मोर्चा ने आज सानपाड़ा में स्वदेशी दीयों का बाजार लगाया। जिलाध्यक्ष राजेश राय के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में दर्जनों महिलाओं द्वारा निर्मित परंपरागत दीयों को प्रोत्साहन देते हुए विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ का नारा बुलंद किया गया। बीजेपी आईटी सेल के स्टेट हेड सतीश निकम ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों से स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ का नारा बुलंद करते हुए बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा ने सानपाड़ा में परंपरागत दिए और अन्य उत्पादों को प्रोत्साहन दिया। उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी आईटी सेल के स्टेट हेड सतीश निकम ने किया। इस अवसर पर बीजेपी यूपी सेल के संयोजक मार्कंडे केवट और महिला सेल की सुषमा सिंह समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। यहाँ पारंपरिक दीयों को खरीदने पर जोर देते हुए बीजेपी नेता सतीश निकम ने कहा कि भारतीय पर्व त्यौहार आर्थिक आत्मनिर्भरता और अंत्योदय का जरिया रहे हैं, लेकिन इन पर विदेशी उत्पादों ने अपना वर्चस्व कायम कर लिया है, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजेश राय ने जिस तरह की पहल की है, उससे स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं खुद उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय ने इसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम बताया। आइए सुनाते हैं बीजेपी नेताओं ने और क्या कुछ कहा। पिछले कुछ सालों से, जब से ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सारा मामला अपने देश में आया, उसके बाद इन सारे त्योहारों के विषयों में भी, यानी फटाके हो गए, हमारे जो आकाश कंदील जो बनते हैं, जो हम घर में बचपन में घर में बनाया करते थे, वो भी आजकल इम्पोर्ट होते हैं। हमारे दिए, कैंडल्स, ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्ट होने लग गई। तो इस पर जो आक्रमण हुआ है विदेशी उत्पादकों का, वो हमें कहीं ना कहीं अब रोकना पड़ेगा। ऐसा मूलभूत संदेश हमारे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, और इस वर्ष नवी मुंबई से हमने शुरू किया है। उत्तर भारतीय मोर्चा के टीम ने इसमें लीड ली है। ये एक नई शुरुआत नवी मुंबई से हुई है, जिसमें निश्चित ही स्वदेशी को अपनाने का एक बड़ा संदेश जो हमें पंतप्रधान जी ने दिया है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग देख रहे हो कि मार्केट में इस समय लगातार चाइना के प्रोडक्ट का बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है, और हमारी जो स्वदेशी महिलाएं हैं या बच्चे हैं, उनकी प्रतिभा कहीं ना कहीं छुप जा रही है। इस बात को संज्ञान में लेकर और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि नारियों को आत्मनिर्भर बनाना है, विदेशी भगाना है, स्वदेशी अपनाना है, इसी तर्ज पर हम लोग ने इस बार दीपक लाकर उसको बच्चे लोग ने एक अपना संस्था है महिला उत्कर्ष समिति, उनके साथ मिलकर दीपक को हम बच्चे लोगों ने कलर किया, उसे डिजाइन बनाया, और हमें ये था कि हमारे बच्चियों में इतना प्रतिभा है कि वो अगर वो चाहेंगी तो वो दीपक चाइना से भी ज़्यादा खूबसूरत रहेगा और सस्ता भी रहेगा। और इसी के साथ साथ हमारी जो महिलाएं हैं नई मुंबई के, उनको एक रोजगार मिले, इस बात का ध्यान में रखकर उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया गया है। मैं तो यही बोलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग स्वदेशी चीज़ अपनाएं और अपने भारत को सशक्त बनाएं। उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से और जो यह संकल्प है कि स्वदेशी लाओ विदेशी हटाओ, तो आगे भी ऐसे जारी रहेगा, और नई मुंबई में इसको बहुत सारे लोग बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार कर रहे हैं। बहुत सारे जो है कि लोग ऑर्डर दे रहे हैं कि हमको दिए चाहिए और स्वदेशी दिया चाहिए, तो ये संकल्प को
आगे तक लेके जाना है। और मैं नई मुंबई की जो टीम काम कर रही है, जो महिलाएं हैं, सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और दीपावली पे जो है कि सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।